हाँ जी सुनाइए। तुम इस फैशन की अम्मा को तो जानते ही होगे और इसके भाई बहनों को भी सोशल मीडिया पर मंडराते हुए देख ही लिया होगा, पर अब बारी है इसके पिताजी की। अरे उर्फी, ये तूने किस तरह की फफूंदी फैला दी है जो खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही है, और ये तो महंगाई से भी तेज फैल रही है। और महंगाई से याद आया कि जब से पेट्रोल के दाम महंगे हुए हैं तब से आदमी बाइक के ऊपर नहीं, बाइक आदमी के ऊपर है। क्या सीन है। अबे खच्चर बुद्धि है, दो टायर सौ पीस के लिए नहीं है। ऐसे ही लोग होते हैं जो सन्नी देवल को सन्नी लियोनी समझ लेते हैं और पानी खाते हैं, रोटी पीते हैं। और पता है हमारे यहाँ के लोग बाइक को गाड़ी क्यों बोलते हैं? क्योंकि उससे गाड़ी का ही काम निकालते हैं। भाई पूरे खानदान को लेकर चलते हैं, पर जब मामू पकड़ लेते हैं तो चार सवारी बाइक में बैठी हुई थी, उनको पवन आया है, भगवान आया है, ये गुजरात के हैं। अब भाई तू कितना भी भूत प्रेत बुला ले पर चालान तो कट के रहेगा। पानी पिला इसको। क्या बात है जी, एक्टिंग की बादशाह कसम से। भाई ऐसे ही लोग होते हैं जो कहते हैं अबे तू बैठना, मामू से कौन डरता है, पर जब मामू धर लेते हैं तो भूत प्रेत छलावा सब याद आ जाता है। और भूतों से याद आया, आजकल भूत भी ना हूल दे देकर लड़ रहे हैं सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए। वाह भाई कितनी संस्कारी भूतनी है, घूंघट करके डरा रही है और लगता है ताऊ के अंदर कुत्ते की आत्मा आ गई है। या फिर ये भी हो सकता है ये ताऊ इसका ससुरा है तो ये भूतनी बनकर अपनी भड़ास निकाल रही है, आपस में ही लड़े जा रहे हैं। और भाई आजकल लोग कहते हैं कि इस दुनिया में इंसानियत नामी कोई चीज नहीं बची है, पर ऐसा नहीं है। देखा भाई, बेचारा बच्चा सिगरेट जलाने की कोशिश कर रहा था पर जला नहीं पा रहा था, तो अंकल ने इंसानियत दिखाते हुए कैसे लाचार बच्चे की मदद की सिगरेट जलाने में। डाले तू। और भाई सिगरेट से याद आया कि हमारे यहाँ इतने कलाकार लोग हैं जिन्हें सिगरेट जलाने के लिए तिल्ली निकालने की भी जरूरत नहीं पड़ती। क्या बात है चाचा, कतई गरीबों के रजनीकांत हो रहे हो। भाई फुल स्वैग में सिगरेट जला रहे हैं, ये टैलेंट हिंदुस्तान के बाहर नहीं जाना चाहिए। हिंदुस्तान से याद आया कि यहाँ के लोगों को ना दावत की इतनी भूख है, चाहे बारिश आए या सैलाब, पर दावत नहीं छोड़ेंगे। इन लोगों से कागज पर इनके अंगूठों के निशान ले लूं ठाकुर? अभी नहीं, पहले इन लोगों को हराम की खाने की आदत पड़ने दो, उसके बाद। क्या बात है जी, किसी ने सही कहा है, फ्री में कोई जहर भी देना तो खुशी खुशी ले लेंगे। और ऐसे लोग एक बार को अपनी लुगाई छोड़ देंगे पर दावत नहीं छोड़ेंगे। और लुगाई से याद आया कि घर में लड़ाई झगड़ा होता रहता है, मारपीट होती रहती है। आपको क्या लगता है क्या वजह है इनकी? दारू। अगर आपको पता ही है कि दारू इन सबकी वजह है तो आप पीते ही क्यों दारू? अरे भाई साहब मैं नहीं पीता, मेरी वाइफ पीती दारू। अरे देवा। चलिए ठीक है, अगर आपकी वाइफ दारू पीती है आप उन्हें प्यार से समझा सकते हैं, मारपीट करने वाली क्या बात है, घर में छोटे बच्चे होंगे देखते होंगे, अच्छा नहीं लगता होगा। भाई साहब मैं नहीं पीटता, मेरी वाइफ मुझे पीटती है। ये बातें बताई नहीं जाती। इन चचा का नसीब तो बहुत ही ज्यादा खराब है। चचा का हालात देखते हुए मैं तो एक ही बात बोलना चाहूंगा, भले ही भगवान रंडवा बना दे पर ऐसी लुगाई न दे। रंडवा से याद आया कि एक मास्टर जी गलत टाइमिंग की वजह से रंडवा बन गए। मास्टर हम तो गए मास्टर। मास्टर जी तो टूट गया, खत्म हो गया यार, मैं तो बिखर गए भैया। झंडा लहराने के चक्कर में खुद का झंडा लहराने लायक नहीं बचा। लहराने लायक तो छोड़ो भाई, मास्टर जी चलने लायक नहीं बचे। चलने से याद आया कि हमारे यहाँ के छोटे छोटे जेंगरे भी ना बाइक स्कूटियाँ बिक्की पर चलते हैं। अबे कैसा लाइसेंस, कौन सा लाइसेंस? लाइसेंस 20 से 10-15 साल बड़ा होगा। और भाई मेरे को जिंदगी में इतना भरोसा चाहिए जितना इस दादी को अपने पोते पर है। तो बस यार आज के लिए इतना ही, ठीक है भाई मैं चलता हूं। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और सब्सक्राइब कर देना। मिलता हूँ अगले वीडियो में, बाय बाय।